सांसद ने बनाई अपने हाथों से रोटी, गाय को खिलाने के लिए चलाई मुहिम। लॉकडाउन में घूम रही रोड पर गायों के लिए बनाई रोटी। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा ने आज खुद अपने हाथों से रोटी बनाकर रोड पर घूम रही गायों के लिए एक मुहिम चलाई है। डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा ने अपने हाथों से आटा गूंथा, फिर भट्टी पर रोटियां सेकी। आपको बता दें कि लॉकडाउन में घूम रही बेसहारा गाय को इन दिनों कुछ खाने को नहीं मिल रहा, जिसके चलते सांसद ने आज कुछ समाज सेवियों के साथ मिलकर आज सैकड़ों गायों के लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। वहीं सांसद कनक मल कटारा ने इस मुश्किल घड़ी में 1 करोड़ रुपए का बजट भी दिया। साथ ही कनक मल कटारा ने प्रवासी मजदूरों के लिए खाना और जाने के लिए वाहन की व्यवस्था की। वहीं बागड़ क्षेत्र के युवा जो कि अरब कंट्री में काम कर रहे थे और जो कि देश में कोरोना जैसी महामारी के चलते लॉकडाउन में वहीं फंस गए, उन्हें वापस लाने के लिए विदेश मंत्री तक गुहार लगाई, जिसके चलते अब विदेशों में रह रहे भारतीयों को वापस लाने का कार्य शुरू हो गया है। अपन आप लोगों ने दिया था मुझे युवा ने सबने मिल करके, और वही बात हमने श्री मुरलीधरन जी जो विदेश राज्य मंत्री हैं और जयशंकर जी माननीय विदेश मंत्री जी, इनको हमने सभी कुवैत पे रहने वाले भाइयों को जितने भी विदेशों में रहते हैं इन सब के लिए मैंने वो ज्ञापन लिया, और इसके पहले ही मैंने एक पत्र लिख करके तैयार रखा था, दोनों कंबाइन करके भेज दिया है। और सूचना यह आई कि बहुत जल्दी इनको देश में ला रहे हैं, और अहमदाबाद के अंदर 176 लोग आ भी गए, और उसके अंदर अहमदाबाद होते थे वहीं क्वारंटाइन में रहेंगे वो, ये इनका नियम पालन करना पड़ेगा। और उसके आधार पर और फ्लाइटें आ रही हैं, जयपुर भी आएंगी, अपने उदयपुर भी आएंगी, अहमदाबाद भी आएंगी, सब लोग आ रहे हैं क्योंकि संख्या अधिक है, इसलिए एक साथ से इतने लंच की व्यवस्था और आने जाने में ये प्रॉब्लम है उसको समाधान करते हुए इसको लाने का काम कर रहे हैं, और तब तक वो संयम रखें। और कष्ट तो पड़ रहा है लेकिन हमको भी तकलीफ है, जैसा मैंने लिख करके तब दिया भी है और उनको आश्वस्त भी किया कि हम आपको विदेश से यहाँ लाएंगे। बांसवाड़ा से किशन सेन की रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, वीडी टीवी भारत।